हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जो ट्रायंगल्स वाला चैप्टर है आपकी क्लास का। ज्योमेट्री वाले सेक्शन में ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी के बारे में। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है कि टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज। दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं? जब उनका शेप और साइज बिल्कुल सेम होता है। सिंपल से एग्जांपल है अपने दोनों हाथों का। जब हमारा हाथ यूं इसके ऊपर हम ऐसा रख दें तो हमको दो की बजाय एक ही नजर आता है, तब तो ये कहलाता है आपको कॉन्ग्रुएंट। और जब हमने इसको ऐसा रख दिया तभी दोनों हाथ हमको अलग अलग नजर आएंगे, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा। तो सेम शेप एंड सेम साइज होना जरूरी है, तब तो वो कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। लेकिन सिमिलर फिगर्स में क्या है? टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप, केवल शेप का सेम होना जरूरी है एंड नॉट नेसेसरीली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। ठीक है, दो फिगर्स, कोई से भी ऐसे दो फिगर्स जिनका शेप सेम हो लेकिन साइज का सेम होना जरूरी नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे आपके? सिमिलर फिगर्स। जैसे अगर अपन बात करें तो एक ट्राइंगल लेते हैं, मान लो ये दो ट्राइंगल लिए अपन ने, एक तो ट्राइंगल लिया ए बी सी और एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम पी क्यू आर। ठीक है, ये ए बी सी ट्राइंगल तो मैंने लिया जिसकी एक साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर की है। और पी क्यू आर एक ट्राइंगल लिया जिसकी सारी साइड्स, तीनों साइड्स 4-4 सेंटीमीटर की हैं। तो ये 6 और ये 4 का है। तो जब हम इस 6 वाले ट्राइंगल के ऊपर 4 का ट्राइंगल रखेंगे तो ये कंप्लीटली ओवरलैपिंग नहीं होगा, इसलिए ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। लेकिन दोनों क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, दोनों का शेप सेम है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी में तो दोनों का शेप और साइज दोनों को सेम होना जरूरी है, लेकिन सिमिलरिटी में शेप सेम होना चाहिए, साइज का सेम होना जरूरी नहीं है। इसके अलावा जैसे अगर हम कोई स्क्वायर लेते हैं, एक स्क्वायर ये ले लिया, एक स्क्वायर ये लिया हमने, ये स्क्वायर मान लो हमने लिया सब ईच साइड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाला स्क्वायर है ईच साइड 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों भी क्या कहलाएंगे? दोनों स्क्वायर सिमिलर कहलाएंगे। लेकिन अगर मैंने एक तो ट्राइंगल लिया, ठीक है, और एक मैंने रेक्टेंगल ले लिया, तो इन दोनों का जो शेप है वो शेप सेम नहीं है। इट मींस ये सिमिलर नहीं हो सकती, सिमिलर होंगे ही नहीं। ये सिमिलर हो जाएंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर एक रेक्टेंगल है तो अगर दो रेक्टेंगल हम ले लेंगे तो दोनों रेक्टेंगल भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। दो ट्राइंगल केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तभी ये सिमिलर हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो एक ट्राइंगल मैंने ऐसा लिया, इक्वल ट्राइंगल सिमिलर होंगे, लेकिन अनइक्वल ट्राइंगल्स जो होंगे, अनइक्वल ऐसे अपन जो स्क्वायर ट्राइंगल बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें साइड्स का रेशियो सेम आना चाहिए। चलो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, सिमिलरिटी वाले क्राइटेरिया में आएगा आगे। तो आप पहले तो मुझे ध्यान रखना है कि शेप सेम होना चाहिए और साइज का सेम होना जरूरी नहीं है, तब वो सिमिलर कहलाते हैं। रेक्टेंगल, जैसे ये रेक्टेंगल लिया मैंने, जैसे मान लो एक रेक्टेंगल ये ले लिया, एक रेक्टेंगल ये ले लिया, इसमें मैंने ये 2 ले ली, ये 4 ले ली, इधर ये 3 है, ये 5 है। तो इनका क्या है कि शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, तो ये सिमिलर तो कहलाएंगे। ठीक है, तो जब स्क्वायर टू स्क्वायर हमने ले लिए, दोनों स्क्वायर सिमिलर हो जाएंगे। दो ट्राइंगल इक्वल ट्राइंगल ले लिए, सिमिलर हो गए होगा दोनों। दो रेक्टेंगल ले लिए, सिमिलर होंगे। स्क्वायर सॉरी सर्कल, अगर हम सर्कल लेते हैं, जैसे एक ये सर्कल बड़ा सर्कल ले लिया और एक छोटा सर्कल ले लिया, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल
इनको जब हम ओवरलैप कर रहे हैं तो हमको दो अलग अलग फिगर्स नजर आ रहे हैं। तो ये स्क्वायर, ये जो सर्कल्स हैं, ये सिमिलर तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है लेकिन सिमिलर है। सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनकी दोनों की रेडियस इक्वल होती है। जब सर्कल की रेडियस इक्वल होगी तभी उनकी ओवरलैपिंग एक दूसरे पर हो पाएगी कंप्लीटली, तभी वो दो की जगह एक सर्कल नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों की रेडियस अलग अलग है लेकिन दोनों सर्कल है, इसलिए दोनों क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। तो एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सिमिलर तो होते हैं लेकिन सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर फिगर्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होने जरूरी नहीं है, हो सकते हैं लेकिन कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो क्या होंगे? जिनका शेप और साइज दोनों सेम होता है। और सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे जिनका शेप सेम हो लेकिन साइज का सेम होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि टू पॉलीगन्स, कोई से भी दो पॉलीगन है ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। जैसे मान लो मैं एक पॉलीगन लेता हूँ, क्वाड्रेटर ले लेते हैं, अभी क्या है कि उसको हमको देखने से पता नहीं चलेगा सिमिलर है या नहीं है। तो अगर ए बी सी डी और एक ले लिया मैंने पी क्यू आर एस, ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने, ये एंगल ले लिया मान लो 70 डिग्री, ये हो गया 110 डिग्री, ये ले लिया मैंने मान लो 80 डिग्री, और इसको ले लिया मैंने 100 डिग्री। ठीक है, तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये वाला इसके सिमिलर कब होगा? जब इसके एंगल्स भी ऐसे ही हो, मतलब ये 70 हो, ये 110, ये 80 एंड ये वाला होना चाहिए आपका 100। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। मतलब अगर मैंने ए बी को लिया 2, बी सी है 3, सी डी ले ली मैंने 5 और ए डी को ले लिया मैंने 4, तो और पी क्यू क्या होगी? पी क्यू लेनी पड़ेगी मेरे को 4, यहाँ लिया मैंने 6 और ये लिया 10 और ये ले लिया 8। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है उसके हिसाब से एंगल ए जो है वो पी के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल, एंगल सी आर के इक्वल और एंगल डी जो है वो एंगल एस के इक्वल हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो मतलब जैसे अगर मैंने मान लो ए बी अपॉन पी क्यू निकाला, ए बी अपॉन पी क्यू करेंगे तो कितना आएगा? 2/4 कट हो जाएगा, कितना आ गया 1/2। ऐसे ही मैंने बी सी अपॉन क्यू आर निकाला तो 3/6, ये भी आया 1/2। सी डी अपॉन एस आर निकाला, ये भी आ गया 1/2। और ए डी अपॉन पी एस निकाला तो ये भी आ गया 1/2। देखो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, सारी साइड्स का रेशो जो है वो सेम आ गया। इट मींस इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये दोनों फिगर्स कैसे कहलाएंगे? सिमिलर। ध्यान रखना है कि दोनों में से ये जो दोनों कंडीशन है दोनों का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई सी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो फिगर्स सिमिलर नहीं कहलाएंगे। वे लिखा भी है, आई मैंने आइदर ऑफ द अबोव टू कंडीशंस 1 and 2 ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू पॉलीगन्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर देम टू बी सिमिलर। मतलब इन दोनों में से कोई सी एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो केवल सफिशिएंट नहीं है सिमिलर प्रूव करने के लिए, दोनों का सिमिलर होना जरूरी है। मान लो अगर यहाँ पे रेशियो तो सेम आ गया, अब जैसे मान लो एक दूसरा फिगर लेता हूं मैं,
अब इसमें मैंने साइड्स ले ली, साइड्स ये ले लेता हूँ मैं, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5 एंड 10। तो इससे साइड्स का रेशियो तो इक्वल आ जाएगा। अब एंगल में ये मान लो 70 था, मैंने इसको भी 70 ले लिया, यहाँ 110, यहाँ पे भी मैंने 110 कर दिया, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 60, या इसको 170 करते हैं। चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या करा, इस 60 की जगह तो कर दिया मैंने, अब देखो इसमें क्या हो गया कि हमारी जो रेशियो वाली कंडीशंस हैं, ए बी पी क्यू 2 आ जाए, 1/2 आ जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर करेंगे तो भी 1/2 आ जाएगा, डी सी अपॉन एस आर करेंगे तो भी 1/2 आ जाएगा, और ए डी अपॉन पी एस करेंगे तो भी 1/2 आ जाएगा। इट मीन्स इसमें सेकेंड वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन जब हम एंगल्स को देखेंगे तो इसके एंगल्स इक्वल नहीं है, इसलिए दोनों फिगर्स जो है वो सिमिलर नहीं कहलाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी दो पॉलीगन्स के सिमिलर होने के लिए दोनों कंडीशंस का होना जरूरी है। दोनों कंडीशन मतलब एक तो उसके सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और दूसरा उसकी जो साइड्स हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए, ठीक है। और डिटेल में हम इसको आगे चैप्टर में पढ़ेंगे अभी आगे। अब आपके आती है एक्सरसाइज 6.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फिलअप सेंस के अंदर ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। इसमें आंसर क्या आएगा, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। अब कॉन्ग्रुएंट मैंने आपको बताया, कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब केवल रेडियस इक्वल होंगी, कि दोनों दो सर्कल्स की अगर रेडियस इक्वल है तब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं तो वो सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे ऑल सर्कल्स है तो सारे सर्कल्स का शेप तो सेम है, लेकिन साइज सेम नहीं होता है। साइज किस पे डिपेंड करता है, उनकी रेडियस पर। इसलिए इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है। सेम टू सेम इसमें ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर्स में सारे सिमिलर होंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर अपनी साइड्स के हिसाब से चेंज होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे, जब उनकी साइड्स इक्वल हो। सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे, जब उनकी रेडियस इक्वल हो, लेकिन बाकी सब स्क्वायर्स जो है वो सिमिलर तो होंगी और सर्कल्स जो है वो भी सिमिलर होंगे। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इसमें भी कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे, इसमें भी सिमिलर होंगे, कौन से, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में रेशियो इक्वल आना जरूरी नहीं है, एंगल इक्वल आ सकते हैं लेकिन रेशियो इक्वल आना जरूरी नहीं है, इसलिए जो ट्रायंगल्स है वो कैसे, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर होंगे। ये सिमिलरिटी वाली कंडीशन आ गई, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बताया अभी अभी आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो होने चाहिए इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स के हमको दो एग्जांपल देने हैं और नॉन सिमिलर फिगर्स के दो एग्जांपल देने हैं। तो जैसा हमने पहले भी दे लिया, सिमिलर फिगर्स के दो एग्जांपल के लिए मान लो, फर्स्ट एग्जांपल तो हमारा क्या हो जाएगा, हम दो स्क्वायर ले लें, ठीक है, कोई से भी दो स्क्वायर्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे हमेशा। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल के लिए दो सर्कल्स हम ले सकते हैं, कि दो सर्कल हैं वो दोनों सर्कल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलर फिगर्स का फर्स्ट एग्जांपल तो क्या हो गया, टू स्क्वायर्स, और सेकंड एग्जांपल हो गया हमारा टू सर्कल्स, ठीक है। अब नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल बताने हैं, नॉन सिमिलर फिगर तो बिल्कुल सेम है, आप एक ट्राइंगल ले लो
और इसके साथ एक स्क्वायर सर्कल बता दिया कि ट्राइंगल्स और सर्कल जो है वो नॉन सिमिलर है। ऐसे ही हमने एक स्क्वायर ले लेते हैं और एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, तो ये स्क्वायर रेक्टेंगल हो गया, नॉन सिमिलर है। द ट्राइंगल और सर्कल हो गया, ये भी आपका नॉन सिमिलर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमको बताना है कि क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या नहीं है। तो सिमिलर बताने के लिए हमको दो कंडीशंस चेक करनी थी, एक तो फर्स्ट तो क्या चेक करनी थी, एंगल्स, और सेकंड चेक करना था हमको रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अगर हम इसमें रेशो देखें तो सब में देखो, अगर मैं यहां पे लेता हूं पी क्यू अपॉन ए बी, तो क्या आ जाएगा आपका 1.5/3, 1/2, सारे 1.53, 1.5, 1.53 आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो साइड्स का रेशियो है पी क्यू अपॉन ए बी, क्यू आर अपॉन बी सी, एस आर अपॉन डी सी और पी एस अपॉन ए डी, ये तो इक्वल है। मतलब इसका मतलब ये वाली कंडीशन जो है वो तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन अगर हम एंगल्स को देखें तो यहाँ पे क्या है, ये सब राइट एंगल बन रहे हैं। ठीक है ना, ये सब कैसे बन रहे हैं, राइट एंगल्स। तो इसमें क्या हो गया कि एंगल्स आर नॉट इक्वल, एंगल्स इक्वल होने चाहिए। इसमें सब राइट एंगल है, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, ये आपका एक्यूट बन रहा है, ये ऑब्ट्यूज बन रहा है, ये एक्यूट बन रहा है, तो एंगल्स एक्यूट ऑब्ट्यूज बन रहे हैं, 90 तो नहीं बन रहे। इसका मतलब ये 90 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्वाड्रिलेटरल्स है आर नॉट सिमिलर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमको पता चला कि अगर हमको सिमिलरिटी चेक करनी है किसी भी पॉलीगन्स की तो क्या देखना है हमको, एक तो उनके सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए और दूसरा उनकी जो सारी साइड्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनका रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। सिमिलर शेप, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, जिनका शेप और शेप तो सेम हो लेकिन साइज का सेम होना जरूरी नहीं है। कॉन्ग्रुएंट केवल तभी होंगे जब उनका शेप और साइज सेम हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे नंबर है इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आपको अपना आगे से आगे इसके वीडियो आपको मिलते जाएंगे। सारे वीडियोज आपको उस चैनल पे मिलेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको उसमें देखने को मिलती रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में तो इतना ही, आगे के वीडियो के लिए आप देखते रहिए आगे।